खाओगे तो आपका हाथ जल जलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गैस का निकलना बंद होना जरूरी है। जब तक कि गैस का निकलना बंद नहीं होगा तब तक आग नहीं बुझेगी। अभी जब आग लगेगी तो हो सकता है ये सीधा आग निकले या फिर हो सकता है इस दिशा में निकले, किसी भी दिशा में निकले आपको परेशान नहीं होना है। ये देखिए, जैसे अभी ये आपका आग लग गया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आग अभी इस दिशा में लग रहा है, हो सकता है कि ये रेगुलेटर लीकेज हो और ये आग सीधी दिशा में लगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप रेगुलेटर को बंद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपका ऑप्शन है कि आप रेगुलेटर को बंद कर सकते हो, लेकिन अगर इस पूरे के पूरे रेगुलेटर में रिसाव हो रहा है और आग पूरी सीधी दिशा में जल रही है तो आप इसको बंद नहीं कर पाओगे। उस केस में आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा आप अपने घर में जो आपका चादर हो, बेडशीट हो, आपने वो लेना है। उस बेडशीट को आपने जाके पानी में गीला करना है। गीला करने के बाद ये आपका बेडशीट, आपने ध्यान रखना है कि ये जो हाथ है आपका, हाथ बाहर की तरफ नहीं रहे, ये जो हाथ है वो अंदर की तरफ रहे। और अंदर की तरफ लेकर के आपने सिंपल सा इसको ये कर देना है। ये आपका आग बुझ गया, अभी आपका आग बुझा है, रेगुलेटर बंद नहीं हुआ है। अभी आपने इसका रेगुलेटर भी यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। ये आपकी एलपीजी से सुरक्षा आपकी हो गई। एक बार और इसको दोहराते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपकी आग लगी हुई है, दोनों दिशा में आग लग सकती है, पहला तो आगे आगे आगे। और अगर पूरे के पूरे रेगुलेटर में अगर आपके आग लग रही है, यहाँ से रिसाव हो रहा है, तो ये आग सीधी निकल रही हुई, तो आपने सिर्फ ध्यान ये देना है कि आपको पैनिक नहीं होना है। आपने सिंपल सा एक चादर, जो भी आपके घर में एक चादर है, फटा जैसा भी हो, आपने ध्यान रखना है वो फटा ना हो, उसे आप सिंपल सा पानी में गीला कीजिए। पानी में गीला करने के बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आप हाथ जो है चादर से बाहर नहीं होना चाहिए, आपका हाथ चादर से बाहर नहीं होना चाहिए, हाथ को आप अंदर की तरफ ढक लें। और अंदर की तरफ ढकने के बाद आप आराम से इसको इस तरह लपेट दीजिए, आप लपेट देंगे इसको इस तरह ठोक दीजिए ताकि चारों तरफ से ये आपका आग बुझ गया। अब आग सपोज बुझने के बाद इसका रेगुलेटर आपका खराब है, रेगुलेटर बंद करने के बाद भी आपका गैस का रिसाव बंद नहीं हो रहा है, तो आप इसको उठा करके किसी खुले जगह में डाल दीजिए, पहला चीज। और दूसरा, अगर आपका रेगुलेटर ठीक ठाक काम कर रहा है तो आप जब ये बुझ जाए उसके बाद आप इसका यहाँ से रेगुलेटर कपड़े के ऊपर से ही आप आराम से बंद कर दीजिए, ठीक है। आपका डर कम हुआ, वही है जो सबसे बड़ी बात है कि आपका दिल का डर कम होना चाहिए, ठीक है।